हाय गाइस, दिस इज प्रांजल उपाध्याय फ्रॉम इम्पैक्ट पैरामेडिकल एंड हेल्थ इंस्टीट्यूट दिल्ली. आई एम परस्यूइंग द कोर्स ऑफ रेडियोलॉजी इमेजिनिंग. गाइस, जो आज की वीडियो होने वाली है वो टाइम मैनेजमेंट पे होने वाली है कि आप इस लॉकडाउन में अपना टाइम कैसे इस्तेमाल करें सही तरीके से. पूरा सुबह से लेके शाम तक का जो शेड्यूल है वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा. सो गाइस, बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. हेलो गाइस, तो हमारे पास 24 घंटे रहते हैं जिसमें से 8 घंटे की नींद हमारी प्रॉपर होनी चाहिए. प्रॉपर 8 घंटे की नींद जिससे हम हेल्दी रह सकते हैं. बचे कितने? 16 घंटे. 16 घंटे में सुबह आप मेडिटेट कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आप उससे पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव फीलिंग आएगी आपको. योगा के बाद आप ब्रेकफास्ट कीजिए, प्रॉपर ब्रेकफास्ट कीजिए. और जितने भी स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, जितने भी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, वो आजकल कॉलेज तो ऑफ हैं, स्कूल्स ऑफ हैं, तो आप घर पर ही पढ़ाई करिए. आप ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, बायजूस, अनअकैडमी और बहुत से ऑनलाइन ऐप हैं. और जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं वो रिसर्च कर सकते हैं, और जिस भी फील्ड में वो कोर्स कर रहे हैं उसमें रिसर्च कर सकते हैं. और पढ़ाई को मिस नहीं करना है. और जितने भी स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी पढ़ाई करनी चाहिए. एक टाइम टेबल के हिसाब से आप 2 घंटा सुबह पढ़िए, 2 घंटा दिन में पढ़िए, 2 घंटा रात में पढ़िए, लेकिन पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है. और जितने छोटे बच्चे हैं वो ट्राई करें कि स्मार्टफोन्स में ज़्यादा ना लगे रहें. इससे आपकी आँखों में असर पड़ेगा और आपकी आदत ख़राब हो सकती है. स्मार्टफोन के अलावा भी आप बहुत कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं. आप ड्राइंग कर सकते हैं, आप नॉवल पढ़ सकते हैं, आप स्टोरीज पढ़िए, आप ऑटोबायोग्राफीज और बायोग्राफीज पढ़िए, आप टीवी देख लीजिए. उसमें 24/7 न्यूज़ आती है जो बहुत सी इन्फॉर्मेशन देती है हमको. आप डिस्कवरी चैनल्स देखिए, मूवीज़ देखिए, म्यूज़िक सुनिए, पर आप इन चीज़ों में भी इन्वॉल्व रहिए. दिन में आप प्रॉपर लंच कीजिए, थोड़ा सा रेस्ट करिए, और उठने के बाद आप एक्सरसाइज कर सकते हैं. और फैमिली के साथ बैठ के आप ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं, और अपने ग्रैंड पेरेंट्स जो कि आपको बहुत सी स्टोरी सुनाएंगे आप उनके पास बैठ सकते हैं. घर से बाहर प्लीज़ मत ही जाइए, वो सेफ बिल्कुल भी नहीं है. और अगर घर से कुछ ज़रूरी सामान लाने अगर बाहर जाना है तो कृपया एक ही जाएँ और 1 मीटर की दूरी बनाए रखें. और जब आप वापस आते हैं तो अपने हाथ अच्छी तरीके से हैंड वॉश कीजिए, सैनिटाइजर यूज़ अच्छी तरीके से यूज़ करिए. फिर रात के जो शेड्यूल है उसमें आप 1 से 1.5 घंटा जो छोटे बच्चे और कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी हैबिट ना बदलें. पढ़ाई करने की आदत आपकी होनी चाहिए. और जितने भी बड़े भाई बहन हैं वो अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ा सकते हैं, उनकी क्वेरीज़ जो भी हैं उसको पूरा करें. उसके बाद आप डिनर करें, फिर आप थोड़ा टाइम अपने पेरेंट्स के साथ स्पेंड करें, उनके साथ बैठिए, उनसे कुछ सीखिए. यही टाइम है आप जब उनसे कुछ ना कुछ सीखेंगे ज़रूर. और उसके बाद आप न्यूज़ देखिए, उससे आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलेगी पूरे देश में कि क्या हो रहा है. और ये COVID-19 कोरोना एक लड़ाई की तरह ही है, और हमें इस लड़ाई को जीतना है. सो एंड में मैं यही कहूँगा कि आप एक अच्छे नागरिक की तरह सामाजिक जागरूकता का पूर्ण पालन करें और इस समस्या का निवारण करें. आप घर पर ही रहें, आप साफ रहिए, सुरक्षित रहिए. धन्यवाद.